नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल इट सुमित कुमार की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा टियागो एक्सजेड प्लस के इन्फोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। कैसा क्या इन्फोटेनमेंट सिस्टम है ये आप देख सकते हैं। हारमन का इन्फोटेनमेंट सिस्टम इस गाड़ी में दिया हुआ है। इसमें 4 JBL के स्पीकर्स और 4 ट्वीटर्स आते हैं। साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर केवल इस गाड़ी के इन्फोटेनमेंट सिस्टम के फीचर्स की बात कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर क्या क्या आता है। सो नई गाड़ी में जो इन्फोटेनमेंट सिस्टम है वो आयरा टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो कि काफ़ी अच्छी है। उसे आप मोबाइल ऐप के द्वारा अच्छे से यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाएंगे। फिलहाल यहाँ पर जो सेटिंग्स है वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर जो अपडेट होने के बाद आपको इंटरफेस देखने को मिलता है वो कुछ इस तरीके का होता है। पहले तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉच शो हो रही है। दूसरी चीज़, यहाँ पर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, जो भी आप यूज़ करना चाहें वो यहाँ पर डायरेक्टली शो हो जाता है। ऊपर की तरफ यदि आप कोई म्यूज़िक वगैरह प्ले कर रहे हैं तो वो यहाँ पे शो हो जाती है। कार लॉक्स, कॉन्टैक्ट, फेवरेट वगैरह आप सब यहाँ पे चला सकते हैं। ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको एसी के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, यहाँ से आप एसी ऑन ऑफ कर सकते हैं। और जो ब्लोवर की डायरेक्शन है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप अगर ऑटो पे करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो ब्लोवर है आपकी गाड़ी का टेम्परेचर सेंस कर लेगा और यहाँ पर जो टेम्परेचर है उसे मैच कर देगा। सो ऑटोमेटिक एसी का जो फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से इसमें काम करता है। और ब्लोवर का जो एयर सर्कुलेशन है वो भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सो काफ़ी अच्छा फीचर है। फ़िलहाल मैं ब्लोवर की जो स्पीड है उन्हें कम कर लेता हूँ। ये यहाँ पर ब्लोवर की स्पीड भी आप कम कर सकते हैं। अब यहाँ से बाहर निकले तो नीचे की तरफ आपको यहाँ पर टाइम, आपके जो मोबाइल वगैरह कनेक्टेड है उससे जो बैटरी वगैरह की स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर, और नेटवर्क का जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर ये शो करता है। नीचे की तरफ यहाँ पर सेटिंग, होम पेज, अप पे अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं, और बैक पे आप जाना चाहें तो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा हैंडी है, लेकिन हल्का सा मुझे थोड़ा सा लेगी लगा, जो कि हर कार में रहता है। बाकी यहाँ पर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, रेडियो, USB, फ़ोन, ब्लूटूथ ऑडियो, ये सारे बेसिक से जो चीज़ें हैं वो आपको इसमें देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप ऑडियो सेटअप अपने हिसाब से कर सकते हैं, बेस, मिडिल, ट्रेबल, बैलेंस वगैरह कर सकते हैं। ऑडियो प्रीसेट यहाँ पर आपको ऑलरेडी दिए रहते हैं कुछ, आप उन्हें अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जनरली मुझे तो इसमें जो नॉर्मल यहाँ पर जो यूज़र वाला प्रीसेट आता है वो ही अच्छा लगता है, और उसकी जो साउंड है वैसे ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। सो नई और पुरानी टियागो के जो इन्फोटेनमेंट सिस्टम है उसमें तो काफ़ी बदलाव है, लेकिन साउंड क्वालिटी में कोई बदलाव नहीं है। साउंड क्वालिटी आपको सेम ही देखने को मिलेगी। सो अगली चीज़ की हम बात कर लेते हैं। इसमें फ़ोन सेटअप का आपको अलग से ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप अपने फ़ोन वगैरह मैनेज कर सकते हैं, कितने क्या फ़ोन आपको कनेक्ट करके रखना है। यहाँ से आप ऑडियो वगैरह सेट कर सकते हैं। और अगली सेटिंग की मैं आपको बात करूँ तो आप वॉल्यूम सेट करके रख सकते हैं कि जब आप फ़ोन कनेक्ट करें तो आपका जो म्यूज़िक सिस्टम का वॉल्यूम है वो कितना क्या रहना चाहिए। अगली चीज़ मैं आपको यहाँ पे शो करूँ तो यहाँ से आप जो थीम है उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर येलो कर दूँ तो यहाँ पर ये येलो कलर हो गया, पिंक कर दूँ, लड़कियों को पिंक पसंद रहता है तो यहाँ पर पिंक हो गया, और कोई हरियाली के शौकीन है तो यहाँ पर ग्रीन हो गया। सो फिलहाल मेरा तो फेवरेट कलर यहाँ पर स्काई ब्लू है, तो मैं आप इसे स्काई ब्लू पर सेट कर देता हूँ। और अगली चीज़ यहाँ पर साउंड डेमो का यहाँ पर फीचर देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर कुछ साउंड यहाँ पर ऑलरेडी दिए हुए हैं, आप चाहें तो इनसे चेक कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर मैंने नॉन कॉपीराइटेड सॉन्ग प्ले किया था, लेकिन अगर आप अच्छा सा कोई सा देसी गाना अपना हरियाणवी पंजाबी गाने के शौकीन है और वो सुनना चाहते हैं तो आप फटाफट से इंस्टाग्राम पे आ जाओ। इंस्टाग्राम पर मेरी प्रोफाइल पे आपको इसका एकदम देसी गाने में जो साउंड है वो आपको देखने को मिल जाएगा। सो आपको नीचे पॉपअप शो हो रहा होगा, फटाफट आ जाओ यार, फॉलो ज़रूर कर लेना। भाई आपके लिए लाता रहता है नई वीडियो डेली, कार वगैरह से रिलेटेड, साउंड वगैरह सब बेहतरीन मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको चेक करवा देता हूँ NCS का गाना प्ले करके, तो मैं आप लोगों के लिए एक NCS का गाना इसमें प्ले कर देता हूँ। हम होम पे चले जाते हैं और यहाँ पे जाके ये ऑलरेडी बज रहा है, थोड़ा सा वॉल्यूम में बढ़ाता हूँ।
तो देखा आपने काफ़ी अच्छी जो साउंड क्वालिटी है ये सिस्टम दे देता है। इस सेगमेंट में सबसे अच्छी साउंड क्वालिटी ये वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको देता है, प्रोवाइड करता है। और जो मिड है, ट्रेबल है, बेस है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें मैनेज की गई है। कभी भी आपको ऐसा फील नहीं होता काफ़ी ज़्यादा बेस आ रहा है कहीं पे, काफ़ी ज़्यादा ट्रेबल आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं, सब कुछ एकदम बैलेंस है। और जो संगीत प्रिय लोग हैं उनके लिए तो ये एक जन्नत सा है। सो ये था ओवरऑल कुछ टाटा टियागो XZ प्लस का हारमन का इन्फोटेनमेंट सिस्टम, उसके बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें लगभग कवर करने की कोशिश करी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा इस वाले चैनल को। मिलूंगा मैं आपसे अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।